नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अनबॉक्सिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे Realme के X3 सुपर जूम स्मार्टफोन की। जी हां, इस फोन को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। इंडिया में फिलहाल लॉन्चिंग नहीं हुई है, लेकिन इसे जल्द ही भारतीय मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी का ऐसा दावा है कि इस स्मार्टफोन को उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जिनको फोटोग्राफी का शौक है। जी हाँ, इस फोन में 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा इसमें मिलने वाला है आपको 60x जूम। तो कैसा ये स्मार्टफोन है और क्या इसकी खासियत है, आज की वीडियो में हम इन्हीं की बात करेंगे। तो रियलमी का ये X2 सुपर जूम स्मार्टफोन 4 कैमरे यानी कि क्वाड रियर कैमरे से लैस है, जिसमें कि पहला कैमरा लेंस है वो 64 मेगापिक्सल का है। उसके बाद इसमें 8 मेगापिक्सल के दो अलग लेंस दिए हुए हैं। उसके बाद जो चौथा लेंस है वो है 2 मेगापिक्सल का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का कहना है कि जब आप स्मार्टफोन में एक स्पेशल सॉफ्टवेयर के साथ जब आप इस स्मार्टफोन को कनेक्ट कर लेंगे, तब आप इससे 60x जूम करके भी फोटोग्राफी कर पाएंगे। जहाँ तक इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की बात है, तो इसमें 6.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले स्क्रीन दी है। स्मार्टफोन के डिस्प्ले को स्क्रैच और टूटने फूटने से बचाने के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला 5 ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। जहाँ तक इसमें प्रोसेसर की बात है, तो इसमें क्वालकॉम कंपनी का ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर दिया गया है, जो एड्रेनो 640 GPU के साथ आता है। फ़ोन में 12 मेगापिक्सल की रैम दी है, साथ ही इसमें 256 GB का स्टोरेज भी दिया गया है। क्योंकि कंपनी ने इसको इतना ज़्यादा स्टोरेज पहले से दिया है, इसलिए इसमें माइक्रो SD कार्ड लगाने का सपोर्ट आपको नहीं मिलने वाला है। फ़ोन में आपको 4200 mAh की बैटरी मिलेगी जो 30 वाट के डार्ट चार्ज को सपोर्ट करती है। कनेक्टिविटी के इसमें ब्लूटूथ, डुअल बैंड वाईफाई, USB टाइप सी जैसे कई अलग अलग आपको फीचर्स भी मिल जाएंगे। बात करें इस स्मार्टफोन के डायमेंशन की, तो काफ़ी स्लिम स्मार्टफोन नज़र आता है और काफ़ी कहना चाहिए जो कलर्स हैं इसके वो काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। जहां तक कैमरा सेटअप की बात है, रियर कैमरा एक लाइन में सेटअप किया गया है, उसके साथ यहां पर आपको एक LED फ्लैश दिया गया है। जहां तक स्मार्टफोन के दूसरे डिज़ाइन की बात है, तो इस फ़ोन के नीचे आपको एक स्पीकर ग्रिल, एक सी टाइप USB पोर्ट और साथ में यहाँ पर आपको सिम इंसर्ट करने का एक सिम ट्रे भी दी गई है। ऊपर की तरफ सेकेंडरी माइक्रोफोन दिया गया है। फ़ोन का जो डिस्प्ले है उसमें बेजल बहुत आपको कम मिलने वाले हैं और बेजल काफ़ी कम हैं, इसलिए आपको इस फ़ोन में जो है वो फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगा। जहाँ तक सॉफ्टवेयर की बात है, तो एंड्रॉयड 10 के साथ कंपनी के यूज़र इंटरफेस पर काम करेगा। कुल मिलाकर इस फ़ोन पर आपको मूवी और गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। जहां तक इस फ़ोन की कीमत की बात है, तो इस फ़ोन की कीमत यूरोप में रखी गई है 499 यूरो, यानी कि वो भारतीय रुपए में करीब 41,500 रुपये हो जाते हैं। तो दोस्तों, रियलमी का X3 सुपर जूम स्मार्टफोन कुछ इस तरह का नज़र आता है। फिलहाल इसे यूरोप कंट्री में लॉन्च किया गया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भारतीय मार्केट में इसको जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। कीमत ज़रूर थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन जब ये भारतीय मार्केट में आएगा तब इसकी कीमत थोड़ी सी किफ़ायती हो सकती है, क्योंकि रियलमी भारतीय मार्केट में अब तक बजट स्मार्टफोन ही लेकर आई है। तो जाहिर तौर पर इस फ़ोन की कीमत भी वो भारतीय यूजर्स के हिसाब से डिसाइड कर सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी कर सकते हैं। और आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो भी वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।